नॉर्मल सब्जी खाकर मैं बोर हो गई थी, तो सोचा कोई यूनिक अलग सा टेस्टी सब्जी बनाऊं आप लोगों के लिए। प्याज की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले ग्रेवी रेडी कर लेंगे। एक गरम कढ़ाई में 7 से 8 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गरम हो जाए इसमें डालेंगे छोटे चम्मच से 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया और आधा चम्मच हींग। खुशबू आने तक इसे भून लेंगे। अब डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट खुशबू आने तक इसे भून लेना है। अब डालेंगे 4 हरी कटी मिर्च। एक बार फिर इसे अच्छे से भून लेंगे। 3 टमाटर का पेस्ट डालेंगे। अब एक बार चला ले फिर कुछ मसाले डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार, छोटा चम्मच से 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर हमें अच्छे से भून लेना है, जब तक मसाले से तेल ना छोड़ दें। गैस का फ्लेम लो से मीडियम पर ही रखें। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें 3 बड़े चम्मच दही डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। अब 250 ग्राम यहाँ छोटे वाले प्याज डालेंगे। ये इजिली बाजार में मिल जाते हैं। इसे हल्का सा बीच से मैंने कट कर लिया है ताकि मसाले सारे अंदर तक चले जाएं। साथ में डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 3 से 4 चम्मच मलाई, या फिर इसकी जगह आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1/2 कप से भी कम हम पानी डाल देंगे। मिक्स कर ले अच्छे से और ढककर 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। इसे रोटी और पराठे के साथ एंजॉय करें।